दोस्तों इंग्लैंड में ऐसी ही रहस्यमय जगह है जिसकी चर्चा विश्व स्तर पर होती रहती है। इस रहस्यमय जगह के बारे में सुनने के बाद लगभग हर कोई चंद मिनटों के लिए सोच में पड़ जाता है कि 21वीं सदी में ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों इंग्लैंड में मौजूद जिस रहस्यमय जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम स्टोनहेंज है। दोस्तों जब दुनिया में रहस्यमय जगहों के बारे में बात की जाती है तो इसका नाम जरूर लिया जाता है। स्टोनहेंज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। दोस्तों स्टोनहेंज का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। स्टोनहेंज में मौजूद चट्टानों का इतिहास लगभग 5000 से अधिक प्राचीन माना जाता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि इसका निर्माण प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। कुछ अन्य लोगों का यह कहना है कि इन रहस्यमय चट्टानों का इतिहास कांस्य युग से भी अधिक प्राचीन है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर स्टोनहेंज है क्या। दरअसल स्टोनहेंज एक चट्टानों का समूह है। यहाँ मौजूद एक एक चट्टानों का वजन 50 टन तक है। इन चट्टानों को एक संरचना के तहत खड़ा किया गया है। स्टोनहेंज में मौजूद विशालकाय चट्टानों की ऊंचाई लगभग 23 फीट बताई जाती है। यहाँ मौजूद सभी चट्टानों को खड़ा करके एक गोलाकार में निर्माण किया गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि चट्टानों में ब्लू स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों यह लोगों के लिए रहस्यमय जगह बनी हुई है क्योंकि लोगों का मानना है कि 5000 साल पहले इंसानों के पास कोई आधुनिक मशीन भी नहीं थी और ना ही किसी तरह का कोई औजार था, फिर भी इन चट्टानों को उन्होंने कैसे खड़ा किया होगा। स्टोनहेंज को लेकर एक अन्य मिथक है कि यहाँ मौजूद चट्टानों को एलियंस द्वारा खड़ा किया गया था। स्टोनहेंज के आसपास गड्ढों का जाल बिछा हुआ है जो सैलानियों के लिए रहस्यमय जगह है। इन गड्ढों की लंबाई चौड़ाई भी चौंका देने वाली है। इनके अलावा स्टोनहेंज को लेकर एक अन्य रहस्यमय कहानी है कि इसे छूने से कई बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी रोचक भरे वीडियो ला सकें। दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।